आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेहतरीन प्लान बताऊंगा। ये प्लान मैंने स्पेशल उन लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया है जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का कम मुद्दत वाला प्लान बना के दो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस प्लान का नाम है 3 पेमेंट प्लान टेबल 05। और इस प्लान की जो खसूसियात है वो ये है कि हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से इस प्लान की मद में 3 दफ़ा पेमेंट को ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस प्लान की मद में 3 दफ़ा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट ऑफर करती है। ओके, तो इसकी जो मुद्दत है इस प्लान को लेने की वो 18 साल है। 21 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं, 24 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं, 27 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं और 30 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए उम्र जो है कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 57 साल, यानी 57 ईयर एज होनी चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम जो मेचोरिटी है वो 75 ईयर एज पे है। और इसमें जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो ऑफ़र करती है 3 टाइम्स, तो अगर कोई भी शख्स इस पॉलिसी को 21 साल के लिए लेता है तो कंपनी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस 7 साल के बाद 25% सम इंश्योर्ड अमाउंट की मद में ऑफ़र करती है। यानी जो आप 21 साल में अमाउंट जमा करवाएंगे वो आप उसका आप 25% 7 साल के बाद ले सकते हैं। सेकेंड जो है ये 1/3 जो है 7 साल के बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ़र करती है। इसके अलावा जो है सेकेंड जो है आप 14 साल के बाद जो है 25% सम इंश्योर्ड अमाउंट का ले सकते हैं। और थर्ड जो 50% बचती है अमाउंट वो और प्लस आपके जो भी बोनसेस वगैरह होंगे उसके साथ आप कंप्लीट मैच्योरिटी 21 साल के बाद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 3 टाइम्स स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से इस पॉलिसी की मद में अमाउंट ले सकते हैं और आपके जो भी शॉर्ट टर्म बेसिस के गोल्स हैं उनको इस अमाउंट से कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चों को हाई एजुकेशन, अच्छी तालीम वगैरह दिलवाना चाहते हैं या बच्चों की शादी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस अमाउंट को आप 7 साल के बाद ले सकते हैं, 14 साल के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपना कारोबार जो है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं या अपने वालदैन वगैरह को हज उमरा करवाना चाहते हैं या इसके अलावा आप अपने घर वगैरह की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस अमाउंट को आप ले सकते हैं। इस प्लान की एक और खसूसियात है, वो खसूसियात ये है कि अगर आप 7 साल के बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से इस प्लान की मद में अमाउंट नहीं लेते हैं, नहीं निकलवाते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस अगले 6 माह बाद, अगर 7 साल के बाद आप अमाउंट नहीं निकलवाते हैं और 6 महीने के बाद तक आप अमाउंट नहीं निकलवाते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस प्लान की मद में आपकी पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा बोनस जो है एक स्पेशल बोनस ऐड कर देगा। ठीक है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड कर देती है। इसी तरह अगर आप 14 साल के बाद जो है बोनस अपनी अमाउंट को 25% अमाउंट को नहीं लेते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस अगले 6 माह बाद पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा बोनस ऐड कर देती है। इसके अलावा दोस्तों इस पॉलिसी में एक और चीज़ है, अगर दुराना पॉलिसी खुदा ना खासा पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती तो उस सूरत में कंपनी जो है 100% सम इंश्योर्ड अमाउंट का पे करती है। जी हाँ बिल्कुल, 100% सम इंश्योर्ड अमाउंट का पे करती है। अगर आपने 7 साल के बाद भी अमाउंट निकलवा लिए, 14 साल के बाद भी अमाउंट निकलवा लिए तो उसके बाद भी 100% सम इंश्योर्ड अमाउंट पे करती है। इसमें अगर आप राइडर्स ऐड करवाना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये प्लान बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसको हर शख्स आसानी ले सकता है और अपनी जो भी शॉर्ट टर्म बेसिस की जो भी उसकी प्लानिंग है उसको इस पॉलिसी के तहत, इस प्लान के तहत जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इसमें जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो कंप्लीट आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर व्हाट्सअप का इस पे स्क्रीन पर, उस पर मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और भी प्लान मौजूद हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन प्लान है। अगर आप चाहें तो हमसे रابطہ कर सकते हैं और हम आपको मज़ीद प्लान के बारे में बता देंगे। हमारे पास हर किस्म की पॉलिसी मौजूद है, छोटी पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं, बड़ी पॉलिसीज़ भी मौजूद हैं और आपकी जो भी इनकम है, आपकी जो भी सेविंग है उसके मुताबिक हम आपको प्लान बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। मेरा नाम शहजाद है और मैंने 2006 में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और वो चलती रही, अब माशाल्लाह से मैच्योर हुई है। मेरे जहन में क्वेश्चन थे कि भाई कोई तंग तो नहीं करते, कोई बैरियर तो नहीं है, कोई हिच तो नहीं है, फेरे तो नहीं लगवाते। माशाल्लाह स्मूथली एक फॉर्म मैंने फिल किया है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि आपके सिग्नेचर चेंज हो गए, आपका कुछ और इस तरह का हो गया इशू। आप बाकी आप अगर फेयर हैं, आपने सिंपल एक वो पॉलिसी ओरिजिनल मैंने जमा कराई है और विद इन 20 डेज जो है वो मेरे अकाउंट में रकम आ गई, कहीं नहीं जाना पड़ा और मैं इम्प्रेस हुआ। और इसी वजह से अब क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं दोबारा पॉलिसी ले रहा हूँ। जिंदगी का हर मोड़ यूं लगता है जैसे कल की बात है,
साल महीने दिनों और घंटों की तरह गुजरते हैं। नन्हे हाथों में किताबों की जगह कब मेहंदी रचने लगती है पता ही नहीं चलता। जिंदगी का हर मोड़ कल की बात लगती है, तो फिर क्यों ना आज ही से आने वाले कल की तैयारी करें, कहीं ये भी गुजरा हुआ कल ना बन जाए। स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी, आज से लेकर आने वाले हर कल तक का तहफ।